नरेला विधानसभा क्षेत्र में 28 अगस्त 2018 को नहर टूटने से बाढ़ जैसे हालात हो गए थे। सरकारी विभाग को तो कुछ तरस आया नहीं, मगर भगवान को गरीबों पर तरस जरूर आया और बारिश को थोड़ा रोक दिया। नहीं तो फ्लड विभाग ने तो 28 अगस्त की टूटी नहर को 29 अगस्त 2018 दिन बुधवार 3:30 बजे तक भी कार्य पूरा नहीं किया। जैसा मेट्रो विहार निवासी जितेंद्र ने बताया, बारिश रुक रुक कर हो रही है। अगर दोबारा बारिश तेज हुई तो हमें नहीं लगता फ्लड विभाग फिर मेट्रो विहार होलंबी में पानी घुसने से रोक पाएंगे। मेरा नाम जितेंद्र है। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं यही मेट्रो विहार से ही हूँ। ये मेट्रो विहार में जो कल पानी खड़ा हुआ था आगे, और वो पानी उतर गया, निकल गया गलियों से या अभी खड़ा हुआ घरों में? बिल्कुल जी, अभी तो बिल्कुल उतर गया। अब ये जो नाली जो नहर जो टूटी थी उस नहर को बंद कर दिया गया है या अभी नहीं बंद किया गया है? अभी अभी आप देख लो, टाइम हो रहा है 3 बजने जा रहे हैं। अब कंप्लेन करने के बाद अब ये लोग आए हैं यहाँ पे, अब इसकी मरम्मत कर रहे हैं और ये मिट्टी डाल रहे हैं, यहाँ तक कि उसमें पुल में सड़िए तक के दरार आ गए हैं, जहाँ से प्रति हर 5 मिनट में 2 मिनट में रेल गुजरती है उसमें सड़िए में दरारें आ गए हैं। आप खुद चल के देख सकते हैं वहाँ पे जाके स्थिति कैसी हो रही है, और बिल्कुल ट्रम्पोलॉजी कार हो रहा है। यहाँ पे देखिए किस तरह से ये मिट्टी भरी जा रही है, जेसीबी से उठा के सिर्फ मिट्टी भर के और यहाँ पे ट्रम्पोलॉजी काम किया जा रहा है। बगल से ही कूड़ा उठा के और वहाँ पे डाला जा रहा है। कूड़ा कूड़ा माने दो जो यहाँ से सफाई करते हैं वही कूड़ा वहाँ पे डाल रहे हैं, अभी उसकी भराप कर रहे हैं। जितेंद्र ने बताया, देश की सबसे व्यस्त रेलवे लाइन दिल्ली मुंबई जम्मू कश्मीर हरियाणा पंजाब व पाकिस्तान तक को ले जाने वाली रेलवे लाइन है, जहां से हर 5-10 मिनट में एक ट्रेन गुजरती है। मगर फ्लड विभाग द्वारा नहर पर कुछ समय ही हुआ पुल बनाया, जिससे सरिये साफ देखे जा सकते हैं और जो गल चुके हैं, जगह जगह दरार आ चुकी है, कभी भी बड़ा हादसा खड़ा हो सकता है। अगर फ्लड विभाग रेलवे विभाग ने जल्द इस ओर ध्यान नहीं दिया तो कभी भी रेल का बड़ा हादसा हो सकता है। अभी आप ये देख रहे हैं फ्लड विभाग द्वारा जो बनाया गया नाला है, और यहाँ पर कल जो पानी भर गया था और उसी से जो टेम्परेली जो ये रोड बनाया गया है, जो पुल बनाया गया है, इसी को मेंटेन किया जा रहा। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और देखी जा रही है जो आगे जाकर हो सकता घातक सिद्ध हो, कि यहाँ पर अभी मिट्टी के कट्टे ना लगाकर और पाइप के सामने ही दूसरे पाइप डाल दिए गए हैं, जिसकी वजह से हो सकता कल ये नाला ब्लॉकेज और हो जाए, और जिसकी वजह से फिर आगे जाके कोई ना कोई बड़ी घटना घट सकती है।